छतरपुर में एक छात्रा ने पुलिस कांस्टेबल पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसपी से शिकायत कर बताया कि कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने से मना कर दिया। पीड़िता ने बताया कि कांस्टेबल पहले से ही शादीशुदा था और अब कांस्टेबल और उसकी पत्नी उसके साथ मारपीट करते हैं। पुलिस कांस्टेबल पर एक छात्रा ने शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने कांस्टेबल जवाहरलाल अहिरवार के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। पीड़ित छात्रा ने एसपी को शिकायत दी थी कि जवाहरलाल अहिरवार ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया। जब उसने शादी करने की बात कही तो वह उसे गुमराह करते हुए झांसा देता रहा। बाद में वह मां बन गई। पीड़िता ने बताया कि पहले कांस्टेबल ने उसे पत्नी के रूप में रखा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है। आरोपी पुलिस कांस्टेबल की पत्नी पन्ना में पुलिस कांस्टेबल है। पीड़िता ने बताया कि पति पत्नी द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर उसे निलंबित कर दिया है। सिविल लाइन एक आरक्षक है जो कि पुलिस लाइन में पदस्थ था, उसकी शादी पूर्व में हो चुकी है महिला आरक्षक से ही पन्ना में, परंतु जो महिला पीड़ित महिला आई थी उसने जानकारी नहीं बताया कि जो आरक्षक उसके साथ लगातार पिछले दो वर्षों से। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।